हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट शरीफ अहमद कादरी और आप देख रहे हैं रजा टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपने एंड्रॉयड फ़ोन के कैमरा को अपने पीसी या लैपटॉप पर एज ए वेब कैमरा यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे पीसी में तो खैर कैमरा होता ही नहीं है। अगर लैपटॉप में कैमरा होता भी है तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि उससे हम लाइव आ सकें या वीडियो बना सकें, फेस वीडियो हम उससे बना सकें। तो इसके लिए हमारे स्मार्टफोन का कैमरा काफ़ी अच्छा होता है, उसे हम अपने पीसी पर वेब कैमरे की तरह यूज कर सकते हैं इस मेथड से जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और आपको टाइप करना है वो वेबकैम क्लाइंट। उसके बाद में आपको वो वेबकैम क्लाइंट को वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद को आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपको क्लाइंट ऑन पीसी, इसको डाउनलोड करना है और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपको एंड्रॉयड ऐप लेनी है यहाँ से और इसे भी अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेनी है। दोस्तों, इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर पर जाएगा, लेकिन प्ले स्टोर पर से ये ऐप हट चुकी है, इसलिए आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा वो वेबकैम एपीके और आप उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ। ये रहा वो वेबकैम क्लाइंट और ये रहा वेबकैम मैक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मोबाइल में जाना है। मोबाइल मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसे ओपन कर लेना है वो वेबकैम को। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग और स्टार्ट दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इस सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब आपका काम मोबाइल का ख़त्म हो गया। अब आपको करना क्या है, इसके बाद हमें यहाँ से वो वेबकैम क्लाइंट को ओपन करना है। और इसे कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। ये याद रहे कि आपका पीसी और आपका मोबाइल एक ही वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट होने चाहिए। इसके बाद आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए। इसके बाद हम वेबकैम मैक्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैमरा जो आपको नजर आ रहा है, ये मेरे मोबाइल का ही कैमरा है। चलिए मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन दिखा देता हूँ इसी से। इसके थ्रू अब आप लाइव कर सकते हैं, अपने वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं, इसे वेब कैमरे की तरह यूज कर सकते हैं। इसका फ्रंट कैमरा भी आप यूज कर सकते हैं और बैक कैमरा भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी मेरी दुकान की लोकेशन। इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को एज अ वेब कैमरा यूज कर सकते हैं और अपनी वीडियोज़ बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए।